टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने शुक्रवार 22 जुलाई को बताया कि कंपनी ने अक्षय मुंद्रा को अपना अगला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ नियुक्त करने का फैसला किया है। वे 19 अगस्त 2022 को अपना कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 सालों का होगा। मुंद्रा फिलहाल वोडाफोन आइडिया के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। वे कंपनी के मौजूदा सीईओ रविंद्र टक्कर की जगह लेंगे। वोडाफोन आइडिया ने बताया कि रविंद्र टक्कर का सीईओ के तौर पर 3 सालों का कार्यकाल 18 अगस्त 2022 को खत्म हो रहा है। वोडाफोन आइडिया ने बताया कि मुंद्रा के सीईओ बनने के बाद वोडाफोन आइडिया का नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होगा, इसे लेकर जल्द ऐलान किया जाएगा। वोडाफोन आइडिया ने बताया कि मुंद्रा की नियुक्ति कंपनी के नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर हुई है। बयान में कहा गया कि अक्षय मुंद्रा के पास 30 सालों से अधिक का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है और करीब 14 सालों का भारतीय टेलीकॉम सेक्टर का अनुभव है। वोडाफोन आइडिया ने हालांकि इसके साथ यह भी साफ किया कि अक्षय मुंद्रा कंपनी के अगले सीईओ होंगे, लेकिन इसके साथ रविंद्र टक्कर वोडाफोन ग्रुप का आगे भी हिस्सा बने रहेंगे। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि टक्कर एक अनुभवी ग्लोबल एग्जीक्यूटिव हैं और वे कंपनी के साथ करीब 3 दशक से जुड़े हैं और वे वोडाफोन ग्रुप के साथ काम करना जारी रखेंगे। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।